Hey guys, this is Vishal and welcome to weekly market update. ये हफ्ते में क्या हुआ, क्या चला, क्या नहीं चला, अगले हफ्ते क्या होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चल सकता है, आउट परफॉर्मर कौन सा है, अंडर परफॉर्मर कौन सा है, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अंत तक देखें और फिर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीकली मार्केट अपडेट। एंड अगर आप मेरे वीडियोज से देख के अगर आपको हेल्प हो रही है, आपको मदद हो रही है और आप पैसा बना रहे हो या पैसा नहीं गवा रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर लॉस नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है और सिस्टम्स मार्केट समझ में आने लगा है, सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी है, RSI 40, 60, ग्रैंडफादर, फादर, सन और ज्यादा कुछ नहीं। और हर बार मैं वही बात करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया है, गो डीप नॉट ब्रॉड, वन कोच वन अप्रोच, वन मेंटर वन स्ट्रैटेजी, लाइक दैट। सो अगर आपको मदद हो रही है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएं। लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक 20th January। एंड मार्केट स्नैपशॉट में पहले मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, गेनर्स, लूजर, सारी चीजें बात करेंगे। अब देखोगे तो पूरा मार्केट पूरा फ्लैटेज था, मतलब कुछ छोटी कैंडल बनी हमारे वीकली चेंज पे, इंडेक्स पे, निफ्टी पे, सेंसेक्स पे, बैंक निफ्टी पे और मिड कैप में भी, और विक्स नीचे आ गया, वॉलिटिलिटी और कम हो गई, तो दिस इज अ साइन ऑफ स्टेडीनेस। दूसरा निफ्टी का चार्ट देखोगे, मंथली अभी भी 60 के ऊपर, वीकली साइडवेज, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, दो डोजी बन चुकी है और डेली पे वो 40 के नजदीक सपोर्ट ले रहा है। डबल बॉटम जो हमने बात की थी, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस, मैंने लास्ट टू लास्ट ट्यूजडे टेक्निकल टॉक, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप ट्यूजडे टेक्निकल टॉक और वीकली मार्केट अपडेट बराबर से देखो ताकि आपको लिंक समझ में आएगा मार्केट का। लास्ट ट्यूजडे जो मैंने बात की थी या लास्ट वीक में जो बात की थी, अगर आप सबको देखोगे तो आपका एक मार्केट का ट्रेंड बैठ जाएगा जो हम सोच रहे हैं कैसे ट्रेड कर रहे हैं। राइट, सो जस्ट अ सजेशन। बैंक निफ्टी मंथली अबाउ 60, वीकली नियर 60, वो भी मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे और डेली 40 पे, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। अब छोटे कैंडल बन रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, आपको पैसा बनाने को नहीं मिल रहा है या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बट द अच्छी बात यह है कि छोटे कैंडल के क्या बाद क्या आएगा, बड़ा कैंडल आएगा, और बड़ा कैंडल आएगा तब पैसा बनेगा। बट वो बड़ा कैंडल आएगा वो कैसे पता चलेगा, मोमेंट ब्रेकआउट होगा, RSI 60 के ऊपर जाएगा, RSI 60 पहले 15 मिनट पे जाएगा, फिर आवरली पे जाएगा, फिर डेली पे जाएगा। तो ये सारी चीज अगर प्लानिंग से कर ली है तो हम वेट करेंगे, इसमें फिर हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा। और जब एक्चुअल ट्रेड करने का टाइम आएगा तब आपके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि अभी लास्ट दो तीन ट्रेड विप्सो में पैसा लॉस हो गया। राइट, सो आगे देखते हैं। 52 वीक हाई स्टॉक, मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, मिड कैप में कुछ हाईज बन रहे, स्मॉल कैप में बन रहे, ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है जो मंथली परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि ये मंथ में IT ऊपर है और ऑयल एंड गैस है, मेटल है, एनर्जी है, ऑटो है और बाकी सारे नीचे की तरफ है, ज्यादा नहीं बट सबसे ऊपर IT 3% दिखा रहा है। राइट, फिर सेक्टर वाइज अगर परसेंटेज निकाले, IT, ऑटो वीकली सेक्टर में, मेटल, बैंक निफ्टी, सो आज मिक्स बैग है। मीडिया सबसे नीचे है, उसमें कुछ न्यूज है, कुछ स्टॉक बड़ा नीचे गिर गया, बट सबसे विनर, सबसे बड़ा विनर आज इस टाइम, इस वीक का IT रहेगा, जो हमने ये चार्ट पे भी दिखाया। और यहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक्स काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रहे वर्सेज अदर स्टॉक्स। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। IT चला, रिजल्ट्स आ रहे थे विप्रो के, TCS के, हमने अगर याद है, अगर लास्ट दो तीन महीने से हम बात कर रहे हैं कि IT वैल्यू बाइंग है, वैल्यू बाइंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो मोमेंटम नहीं दिखा रहा लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है और उसका रिजल्ट अभी नतीजा आने लगा, जो 2700 पे था अब 29,000 पे आ गया IT इंडेक्स। राइट, सो एंड इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सारे सारे धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो वहां पे अपना पोर्टफोलियो अच्छा काम कर रहे हैं। मेटल 60 पे आके अटक गया, देखो डेली चार्ट, मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन डेली 60 पे अटक रहा है, वो कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जब तक उसका लो नहीं टूटता है उसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक लॉन्ग भी नहीं कर सकते, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। निफ्टी ऑटो मंथली अच्छा है, बाकी सब साइडवेज है तो अवॉइड। रियलिटी तीनों साइडवेज। PSU बैंक्स मंथली अच्छा है, वीकली अच्छा है, डेली साइडवेज है तो वील वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑन द डेली चार्ट। एनर्जी तीनों साइडवेज। इंफ्रा मंथली अच्छा है, बाकी सब साइडवेज। FMCG मंथली अच्छा है लेकिन बाकी साइडवेज, बट सपोर्ट पे है, आप देखो यहाँ पे डेली 40 पे सपोर्ट है तो यहाँ पे कुछ काम हो सकता है। फार्मा तीनों साइडवेज। तो वीकली बेस्ट परफॉर्मर NHPC, राजेश एक्सपोर्ट्स, कोल इंडिया, इंजीनियर्स, मैक्स फाइनेंशियल हमने लास्ट टू लास्ट में डिस्कस किया था, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, सो यहाँ पे सब मिक्स बैग है।
और वर्स्ट में LTTS, DMart, PNB हाउसिंग, यहाँ पे भी ओवरऑल मिक्स बैग लग रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स, अब इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था REC और PFC, और दोनों अभी भी स्टेडी है, दो RSI 60 के ऊपर और डेली खाली थोड़ा सा 60 के नीचे है, बट अभी भी CIP पे है, मूविंग एवरेज पे है। और REC तीनों RSI 60 के ऊपर 60 60 60, याद है हमने एडवांस GFS किया था लास्ट टू लास्ट ट्यूजडे में, तो अगर वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि एडवांस GFS क्या होता है। फिर जिंदाल स्टील डेली पे थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है, लोअर टॉप और 60 पे अटक रहा है, सो वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट। IDFC तीनों RSI 60 के ऊपर अच्छा सेटअप है, ब्रेकआउट हो सकता है। कल्पतरु पावर, अगर याद है लास्ट टाइम हमने वीकली GFS सेटअप पे काम किया था और वो अच्छा चला और वहां से कुछ मूवमेंट आई, इनफैक्ट यही स्टॉक माई सन ऑल्सो टुक इट, उसको मैंने बोल दिया कि आज फ्राइडे है, वीकली मार्केट अपडेट वीडियो देख और अपने हिसाब से GFS सेटअप ट्रेड कर। उसमें दूसरा भी एक था JK लक्ष्मी, मेरे ख्याल से उसका स्टॉप लॉस हो गया और कल्पतरु पावर चल गया, HDFC बैंक चल गया और अभी तो 60 क्रॉस कर गया, विच इज अ वेरी गुड साइन, राइट। देन SBI अभी GFS पे है, कितने लोग ट्रेड करने वाले हैं स्टेट बैंक को? यस, GFS पे है और ये बहुत ही अच्छा सेटअप गिना जा सकता है, थोड़ा वीकली डाइसी है, देखो वीकली थोड़ा 60 के नीचे है, बट कंसिडर कर सकते हैं। MassDoc, ये स्टॉक GFS पे है, मंथली वीकली डेली परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। SBI लाइफ ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन ये अभी फॉल्स ब्रेकआउट और डबल टॉप जैसा बन गया है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। वीकली भी 60 से टर्न कर दिया और डेली भी 60 से टर्न कर दिया, तो मैं ये स्टॉक्स भी बता रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीक बताए थे, ताकि उसमें चला नहीं चला वो भी अपडेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली चले वही दिखा रहा हूँ। IOC तीनों RSI 60 के ऊपर, ये 60 60 60 है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। LNT लास्ट टू लास्ट तीन वीक पहले का GFS है, अब बाद में लास्ट वीक में वो एडवांस GFS पे था 60 60 60, और अभी ऑल टाइम हाई पे आ गया, तो एक ही स्ट्रैटेजी धीरे धीरे करके कितना लंबा रिटर्न दे सकती है अगर आप उसको स्विंग या पोजिशनल करोगे। यार कितने लोग ने अभी कसम खा ली कि इंट्राडे नहीं करना है, यस और नो नीचे कमेंट में बताएं, राइट, एंड खाली स्विंग और पोजिशनल पे करेंगे। कप स्टॉक्स ये हफ्ते जिंदाल स्टील और जिंदाल स्टेनलेस, विच इज आई थिंक अ ग्रेट सेक्टर स्टॉक, ब्रेकआउट हो चुका है। JWL जुपिटर वेगन्स, ये अभी जस्ट रेजोल्यूशन पॉइंट पे है, क्रॉस होना जरूरी है, ब्रेकआउट सस्टेन होना, उसके बाद ट्रेड करेंगे। मैग्नम अब ये चल चुका है, इनफैक्ट चलने के बाद अभी ये दूसरे रेजिस्टेंस पे आया, ऊपर की लाइन है, तो इसको अब दूसरा ब्रेकआउट होगा तब खरीदेंगे, क्योंकि अभी खरीदेंगे तो टारगेट कम है, नीचे स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है, राइट। उषा मार्टिन स्टील सेक्टर है, मतलब स्टील में करंट आ रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो मेटल पे, स्टील पे, तो ये भी अच्छा सेक्टर, अच्छा स्टॉक है और वॉल्यूम के साथ मल्टीपल ईयर्स, कितना कम से कम 15 साल का कप है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट ग्रेट सिचुएशन। लास्ट वीक के कप में हमने हिल्टन देखा था, अभी भी ठीक है, डॉनियर देखा था ठीक है, TWL भी ठीक है, तो लेसन लर्न क्या है, अब मैं एक को आपको और एक चीज सिखाना चाहता था, तो मैंने बोला चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। सो आई वांट टू शो यू दिस स्टॉक विच इज कॉल्ड HAL, ओके, सो एरोनॉटिक्स जो भी नाम इसका जो भी है, हिंदुस्तान, ये मंथली चार्ट, अब GFS के ऊपर तड़का लगाता हूँ, ठीक है, आपको मेरा मतलब जितना आप रिस्पॉन्ड करते हो, जितना आप कमेंट्स में प्यार देते हो, उससे मुझे लगता है कि मैं आपको और भी सिखाऊ। अब यहाँ पे देखो कि मंथली 60 के ऊपर है HAL, राइट, फिर वीकली 60 के नीचे है, बट ज्यादा डेंजर नहीं है, 56 57, और डेली 40 पे, तो क्या ये GFS हो सकता है? ग्रैंडफादर सही है, सन भी सही है, लेकिन फादर थोड़ा सा डाइसी है, तो ग्रैंडफादर फादर सन जब परफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं 5-star स्ट्रैटेजी, 5 अंक देते हैं जैसे रेटिंग होता है। अब ये इसमें एक बीच में जो फादर है वो बराबर से 60 के ऊपर नहीं है, तो उसके वजह से हम पूरी स्ट्रैटेजी को 0 नहीं दे सकते, 5-star का 3-star हो जाएगा ये, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, क्यों? क्योंकि एक तो डबल बॉटम है यहाँ पे डबल बॉटम RSI पे भी है, सॉरी डबल बॉटम यहाँ पे भी है, RSI पे रेंज शिफ्ट भी हो रहा है, और आउटसाइड इनसाइड जो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस मैंने एक ट्यूसडे पहले सिखाया था वो भी है, और अभी काफी अच्छा कैंडल उसने बनाया है, तो HAL को 3-star GFS में गिनेंगे। ये आज का नया नगेट और नई स्ट्रैटेजी या नया चीज जो आप सीख रहे हो मैंने बताया आपके लिए,
तो ये मेरे तरफ से आपको जनवरी का गिफ्ट। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप, और नया मतलब ऐसे नहीं कि आपको मेरे को नया नया करके कंफ्यूज करना है, मैं एक ही स्ट्रैटेजी को अलग 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 एंगल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। बाय द वे अपनी चैलेंज कल शुरू हो रही है, आपके पास एक ही दिन बचा है, जो भी करना है, टिकट बुक करना है, सिल्वर गोल्ड जो भी है, आज का दिन है। फिर कल से चैलेंज 7 दिन तक चलेगा, जहां पे आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ पूरा सीखोगे अपने लाइफ को कैसे सेट करना है और फिर मार्केट 2023 में कैसे ट्रेड करना है। तो इफ यू सी दिस इज द पेज वेर यू गो एंड इफ यू साइन अप फॉर द चैलेंज यू हैव टू ऑप्शन, जस्ट टूडेज ऑप्शन आई गेस, टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लास्ट कुछ घंटे बचे हैं और यहाँ पे 5 दिन तक विजन, हैबिट्स, बिलीफ, स्किल्स, टैक्टिक्स, day 4, day 5 और day 6, day 7, ये सारे दिन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको ताकि आप बाद में भी देख सको। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइव देखना है, और मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं और मेघना तो है ही, और मेरे साथ जुड़ेंगे 2 और स्पीकर्स, नेहा देसाई और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राइट। सो ज्वाइन द चैलेंज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी है, काफी अच्छा मौका है आपके पास 2023 को, अगर 10x रिजल्ट्स चाहिए आपको तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, राइट। और एक चीज बताना चाहता था मैं, जो US में कॉम्पिटिशन होती है फाइनेंशियल, उसमें मैं 3rd पे था और मुझे लगा मैं 3rd पे रहूंगा, लेकिन दिसंबर में कोई आगे निकल गया और मैं 4th पोजीशन पे हूँ 81% रिटर्न पे, वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कैटेगरी में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये 81% बिना कोई इंट्राडे ट्रेड किए, बिना कोई स्टॉप, बिना कोई BTST ट्रेड किए, बिना कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और ये साल में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया मैंने, 4 बार US जाके आया मेरी ट्रेनिंग्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप की, मैंने फैमिली के साथ ट्रिप की, मैंने लाइव इवेंट्स किए थे 5-6 सिटी में, मैं लाइव सेमिनार करके आया और इतने सारे ABCT प्रोग्राम्स भी किए और बहुत कुछ किया। बीच में जून में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो 1 महीने मैंने ट्रेडिंग बंद भी किया था। तो ये सब के बावजूद 81% रिटर्न फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर ऑन अ मल्टी क्रोर अकाउंट, ऐसा नहीं कि 1-2 लाख का अकाउंट है। तो ये अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और बिना इंट्राडे ट्रेडिंग, और यही हमको 2023 में करना है। और उसमें से काफी जो ट्रेड्स मैंने चले हैं ना, वो सब ट्रेड्स मैंने शेयर भी किए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक, अडानी, TVS मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बैंक निफ्टी, यही सारे ट्रेड्स पे परसेंटेज जो रिटर्न्स बनाए, राइट। और मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है, तो मैं मार्च के बाद एक और एक रिपोर्ट बनाऊंगा मेरे पूरे अकाउंट का, और आपको पूरा ट्रेड दिखा दूंगा कि कहां क्या मिला, क्या नहीं मिला, और बिना कोई इंट्राडे ट्रेडिंग किए, राइट। सो दैट्स द मैसेज, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड लेट्स मेक 2023 द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। Get ready for the game changer challenge starting from tomorrow. I hope you learned a lot. मुझे कमेंट्स में बताएं वीडियो अच्छा लगा, क्या सीखा आपने, एडवांस GFS, मैंने 3-star GFS की बात की, मैंने HAL की बात की और बहुत सारी चीजें बात की। Let's see how you perform in the next week. Thank you so much. Good luck and good trading.